दिवेश का चीला बन गया है और साक्षी के लिए बना रही हूँ दिन के। मैं बेलपत्र लेने के लिए आई हुई हूँ। बेल का बहुत बड़ा पेड़ है ये सामने में, लेकिन इसमें से नीचे नीचे के तो साबुत पत्ते ना सभी लोग ले लेते हैं, तो इनके जड़ों में भी नीचे छोटे छोटे पौधे आए हुए हैं, तो मैं उनमें से ले लेती हूँ। तो यहीं से शुरू करती हूँ मैं आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हमारे घर में सभी लोगों का सोमवार का व्रत है, तो मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए आलू उबाल लिए हैं और ये मूँगफली डालना भूल गई मैं, उन्हें तो मैंने फ्राई कर लिया। और साथ में बना दी है चाय। ये शैलेश मेरा भाई आया हुआ है, तो मैं नाश्ता दे रही हूँ अपने पतिदेव और भैया को। मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर में भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए, तो आप भी दर्शन कीजिएगा। तो मैंने घर में और मंदिर में जा कर के पूजा कर ली है, अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मेरे बर्तन वगैरह अभी लगाए नहीं हैं, धोने के बाद ऐसे ही पड़े थे, तो पहले मैं किचन समेट रही हूँ, उसके बाद बनाती हूँ मैं अपने बच्चों का खाना। तो खाने में आज दिवेश के लिए चीला बनाऊँगी और साक्षी के लिए देखो क्या बनाती हूँ। मैंने वीलॉग के लिए कितने प्यारे प्यारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समय ही नहीं हो पा रहा उन्हें एडिट करने का। बिना एडिट करे हुए वीडियो लंबे हो जाते हैं, कोशिश करूँगी बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये थोड़ा सा गर्म मसाला बेसन घोल के चीला बना रहे हैं, थोड़ा सा ये डालेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर और क्या लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा काट के रखे हैं हरी मिर्चें, और इसी के साथ डाल दिया मैंने कस करके अदरक और साथ में अजवाइन, ये पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, और साथ में हींग। मैंने इसमें एक टमाटर काट लिया है, आप चाहें तो कोई सब्जी भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं सब्जियां। हेलो गाइस, मेरी मम्मी मेरे लिए बेसन बना रही है, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है और मैं कटते हूँ अभी। देवेश को मोटा चीला अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें डाल करके इसे पीस लेती हूँ, टमाटर के पीस की वजह से मोटा बन जा रहा है। तवा गर्म हो गया है, मैंने उसमें थोड़ा सा घी से ग्रीसिंग कर ली थी और उसके बाद अब इसे फैला ले रही हूँ घोल को, एक ही साइड को कर करके फैलाने में टूटता नहीं है, वैसे मैं तो दोनों साइड कर लेती हूँ। अब ये सीख जाए जब ना नीचे से, तो फिर इसे पलट लेंगे और टूट गया ना तो सब मेहनत लगा जाएगी। इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, अजवाइन भी पिस गया, हरी मिर्ची भी पिस गई ना, जो मैंने वैसे ही डाल के बनाया था उससे ज्यादा स्वादिष्ट शायद ही बनेगा। थोड़ा सा घी लगा तो पता चलेगा तो खाएगा नहीं, पर थोड़ा सा तो जरूर अच्छे से नीचे से निकल भी गया है, कितना अच्छा सिक रहा है देखना पीछे से, कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, और पलट के भी ऐसे ही सेक लेते। ये दिवेश का चीला बन गया है और साक्षी के लिए बना रही हूँ दिन के लिए परांठा। अभी तो साक्षी ने भी चीला खा लिया है, जो मैंने मोटा बना दिया था ना, तो साक्षी ने खा लिया है, उसने नाश्ता नहीं किया था। और अब चीला गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा बनाने में भी समय लगता है इसमें, क्योंकि इसे करारा करने के लिए आज में बनाना पड़ता है, पर मैं तो अभी ढक करके बना दे रही हूँ, फटाफट अभी काम करती रहूंगी तब निपटेगा, तो वहां से 6-7 बज जाता है। बन के दिवेश नमस्ते बेटा नमस्ते। देवेश ये और है, हाँ एक। अरे नितिन पेपर कैसा हुआ बेटा, पेपर हो गया ना आपका, कैसा हुआ, इजी आया था। अच्छा अब बना देती हूँ मैं साक्षी के लिए दिन के लिए पराठा। साक्षी ने अभी वो मोटा वाला चीला नाश्ते में खा लिया, अभी तक नहीं खाया था उसने। हाँ बोलो, और तुमने क्या मंगा लिया? ये थोड़ा सा दांतों ऊपर से। अच्छा कैसे डालूं, कस के? हाँ।
तो ये बेल ली है मैंने लोई, और इसके ऊपर ऐसे घी फैला देते हैं ये ना, इस तरीके से। लाइट चली गई, अंधेरा हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। ये फिर से ऐसे काट, इसके ऊपर कस दिया है मतलब थोड़ा सा पनीर, जिससे देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ में देवेश को खाने का भी मन करेगा पनीर देख के। लाल मेरा ना आटा रात का मला हुआ बच गया था, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए आटे को, लेकिन कल व्रत भी था तो अभी सुबह मैं खा भी नहीं सकती थी। वैसे तो मैं बचा हुआ जो होता ना उसे खा ही लेती, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, और आज व्रत था तो मैंने रोटी बनाई नहीं ज़्यादा, रात को आटा ही छोड़ दिया था कि बच्चों के लिए फिर ताज़ा ही बनाऊंगी करके। और ये कट गया गीले की वजह से ना, थोड़ा सा वो हो रहा है इसमें। और इसको अब ऐसे करके गांठ लगा देनी है, ये ना जिसे नीचे कर दिया, और इसे नीचे से ऊपर की तरफ को, और जो ये आ रहे हैं लताएं इसकी, इनको ऐसे अंदर पर दबा दिया, बस हो गया। ये है थोड़ा सा परोथन ले करके बेल लिया। अच्छा खाना अच्छा है। लोई को हल्के हाथों से बेलना है, किनारे भी बराबर मोटे हों, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला होगा तो फिर मोटी जगह कच्चा रह जाएगा। थोड़ा सा घी लगा करके बस नॉर्मल पराठे की तरह सेक लेना है इसमें, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है, लेयर लेयर सी इसकी अच्छी लगती है। अभी जब छूटेगी ना तो बड़ी खुरदरी खुरदरी सी हो जाती है, पता नहीं देखने में बहुत अच्छा लगता है, केमिकल होता है पता नहीं क्या होता है। और ये तो ऐसा बिगड़ गया था, मैं गोल गोल बनाने वाली थी फिर लंबा हो गया था, मैंने ऐसे ही लिपाट दिया इसको, है ना। और आज मंदिर में कीर्तन है 4 बजे से हमारे इसी सोसाइटी के मंदिर में, तो मैं चली जाऊंगी। और उससे पहले मुझे बहुत सारे काम निपटाने पड़ेंगे, खाना पीना भी बना के जाऊंगी। दिन में व्रत होता तो आके फिर मन भी नहीं करता, और थकान सी भी हो जाती है, चाहे काम नहीं होता मंदिर में लेकिन फिर भी थकान सी हो जाती है। जल्दी जल्दी से अपनी सब्जी वगैरह बना लूँगी। और क्या है, और आप लोगों का त्यौहार बढ़िया रहा होगा कल का, है ना। बस फिर मंदिर को जाती हूँ, तब आपसे बात करती हूँ। लेट तो हो गए है ना, है। बहुत ये हमारी आंटी हैं, देखो कौन है? बहुत अच्छे भजन गा रहे ये हैं। आप बताइए आज आपको कीर्तन कैसा लगा? बहुत अच्छा, आज अपनी वो थी कंपनी थी, और इन्होंने ढोलक भी अपने आप बजाई है, और रेखा भाभी ना बहुत अच्छा ढोलक बजा रही है, कभी बजाती बजाती नहीं थी, मैंने पहली बार कोशिश करी। और ये मुँह दिखा रही, आप दिख गया इनका मुँह देख लो।